सब्सक्राइब करें ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए और सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपको शादी से पहले आपको कौन कौन सी ब्यूटी टिप्स एक महीने पहले ही चालू कर देनी चाहिए ये बताऊंगी। दोस्तों इन ब्यूटी टिप्स की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि जो दुल्हन होती है शादी वाली उसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शादी के भागदौड़ में लग जाती है, तैयारियों में लग जाती है और कहीं ना कहीं वो अपनी स्किन का सही से ध्यान नहीं दे पाती। पर दोस्तों आज मैं आपको जो ब्यूटी टिप्स बताने वाली हूँ अगर उन्हें वो दुल्हन सही से फॉलो करे तो उसकी जो स्किन है वो शादी वाले दिन पर बहुत ज़्यादा चमकेगी। तो ये सब कैसे होगा? और दोस्तों ये सारे जो टिप हैं बहुत ही आसान है फॉलो करने में, तो इसीलिए इन्हें ज़रूर सुनिए। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी कि शादी से एक महीने पहले ही आपको जितने भी जंक फूड है, ऑयली फूड है, उन्हें खाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। इन्हीं की वजह से पिंपल, एक्ने जैसी परेशानियां भी हो जाती है और दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही गंदी स्किन भी देती है। इसलिए जंक फूड को और ऑयली फूड को शादी से एक महीने पहले ही बाय बाय कर दें। उसके बाद दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि जब हमारा पेट साफ नहीं होता तब अक्सर हमारे स्किन पर पिंपल या एक्ने की परेशानियां हो जाती है या फिर स्किन प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। इसलिए पेट को साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए रोज़ाना योगा एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। पानी पीने से हमारे शरीर में जितने भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। और अगर आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप नींबू पानी या फिर फलों का रस भी पी सकते हैं। ऐसा सब करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज, हाइड्रेट और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रहेगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शादी के एक महीने पहले से ही आपको हफ्ते में 2 बार स्क्रबिंग चालू कर देनी चाहिए और दिन में 2 बार क्लींजिंग चालू कर देनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो दिन ब दिन आपकी स्किन जो है निखरती जाएगी। और साथ ही साथ आप उपटन का भी उपयोग करना चालू कर दीजिए। उपटन बनाने के लिए आपको लेना है बेसन 2 चम्मच, 2 चम्मच दूध, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी और साथ ही साथ थोड़ी सी केसर। इन चारों को मिला लीजिए, यह आपके शरीर का उपटन बन जाएगा। चाहे तो आप इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। इसे नियमित रूप से अगर आप लगाएंगे तो शादी तक आपका जो पूरा शरीर है बहुत ही निखर जाएगा और आपका चेहरा भी काफ़ी निखरा हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से आप अपने शरीर का और अपने फेस का यानी चेहरे का ध्यान दे रहे हैं उसी तरह से आपको अपने हाथों और पैरों का भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से आपको मैनिक्योर और पेडिक्योर करना चाहिए जिससे एक महीने के बाद जब आपके हाथ पैर अगर कोई देखे तो वो बहुत ही मुलायम और बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि शादी से कुछ दिनों पहले कोई आप नया फेशियल ट्राई करेंगे जिससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा तो ये एकदम गलत बात है। दोस्तों आपको शादी से पहले कोई भी नया एक्सपेरिमेंट अपने चेहरे पर नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आपके स्किन पर पिंपल, एक्ने जैसी परेशानियां आ जाए। इसलिए शादी के एक महीने पहले ही अपने चेहरे पर कोई अच्छा सा फेशियल ट्राई करें। अगर उसका ग्लो अच्छा आता है तो उसी फेशियल को आप शादी से कुछ दिनों पहले भी कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं बहुत ही ज़रूरी टिप्स आपके साथ बताने वाली हूँ कि शादी से पहले एक महीना पहले ही आपको ये टिप चालू कर देनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ रात में सोने से पहले जो स्वीट आलमंड ऑयल होता है, जो असली आलमंड ऑयल होता है यानी बादाम का तेल होता है, उसकी थोड़ी सी बूंदे लेनी है यानी 3-4 बूंदे। इसे अच्छे से हाथों पर मसाज करते हुए अपने चेहरे पर लगाएं और दोस्तों हल्के हाथों से लगाएं, रोज़ लगाएं। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे में बहुत अच्छे से होगा और जब सुबह आप उठेंगे तो आपके चेहरे पर एक ग्लो रहेगा और धीरे धीरे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर और ग्लोइंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे बहुत ही आसान टिप्स शादी वाली दुल्हन के लिए। अगर वो ये सारी जो टिप्स है एक महीने पहले ही चालू कर देगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहीं अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।